19 मई को गोरखपुर में होने वाले सातवें और अंतिम चरण में होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलें और अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, जिसके लिए गोरखपुर न्यूज मतदाताओं को जागरूक करने के साथ नागरिकों के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक वोट करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत किया है। हम गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे, इस बार के स्लोगन के साथ मतदाता जागरूकता कैंपेन की शुरुआत किया गया। गोरखपुर न्यूज और स्वीप के इस कार्यक्रम में महिलाएं और पुरुषों ने समाज के सभी वर्गों के लोगों से अधिक वोट करने का अपील किया। पुनीत अग्रवाल, वोटिंग के लिए मैं यही बोलूंगा कि हर एक नागरिक जो गोरखपुर में रह रहा है, जो यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहा है, किसी भी शहर में जो अपने संसाधनों का, सरकारी संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जो चाहता है सुविधाओं को, उसे वोट ज़रूर करना चाहिए। अगर वो वोट नहीं कर रहा है तो असल में वो पाप कर रहा है, वो देश के प्रति अपने एक पाप कर रहा है अगर वो वोट नहीं दे रहा है। ये सिर्फ पर्व नहीं है, ये सिर्फ उसका ऑप्शन नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो वोट करे। अगर वोट नहीं कर रहा है तो उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो सरकार पे, सिस्टम पे या किसी भी चीज़ पे उंगली उठाए, अगर उंगली पे स्याही नहीं लगवा रहा है तो। अमृता ओझा, कि हम यही चाहेंगे कि हम सारे जितने स्टूडेंट जो 18 ईयर से एवब है, हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो अपना वोट अपने जिसको वो समझते हैं उस काबिल, उनको अपना वोट दें, और ये हमारी जिम्मेदारी है और इसको हमको निभाना चाहिए। रोहित अग्रवाल जी, मैं सारे नागरिकों से यही अनुरोध करूंगा कि 19 मई को अधिक से अधिक मात्रा में अपने वोटिंग करें और इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका जरूर निभाएं, क्योंकि अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो आने वाले देश पे काफ़ी जो वित्तीय सहायता है, जो भी लेन देन है, उससे आप काफ़ी डिपेंड है। इसलिए 19 मई को अपनी सहभागिता जरूर निभाएं। हम लोगों के ऊपर कर्तव्य और अधिकार दो होता है, तो पहले कर्तव्य निभाया, अधिकार तो वोटिंग करना ही है। धन्यवाद। मेरा नाम नमिता मिश्रा है। मैं इसके लिए घर की सारी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ, अपनी तरफ से अनुरोध करती हूँ कि घर के काम तो होते रहेंगे, वो तो रोज़ की दिनचर्या है हमारी, लेकिन एक दिन थोड़ा सा समय निकाल के वे अपना जो अधिकार मिला है उनको वोट देने का, वो सोच समझ के, जिनमें उनको अधिकार है कि अपना वोट दें, वो बहुत तरह अच्छी तरह से सोच समझ के वो वोट देने ज़रूर से ज़रूर जाएँ। रवि चतुर्वेदी, मैं सभी नागरिकों को यही कहूँगा कि 19 तारीख को आएँ और अपना जिम्मेदारी को निभाएं और अच्छे से अच्छे लोगों को चुनें और जिससे हमारा देश और तरक्की कर सके। अनुपमा कुशवाहा, मैं यही कहना चाहूँगी गोरखपुर के सभी नागरिकों को कि गोरखपुर में 19 तारीख को वोटिंग है, प्लीज़ सब कोई वोट करें, जैसे कि सभी सिटियों में हो रहे हैं और अच्छे से सब ने वोट किया है, तो हमारे गोरखपुर क्यों पीछे रहें, गोरखपुर के लोगों को भी वोट करना चाहिए और सब कोई जाएं और 18 प्लस जो हैं वो सब वोट करें। मैं कमल नैन तिवारी, क्योंकि 19 तारीख को गोरखपुर में वोटिंग है और मैं समस्त गोरखपुर वासियों से अनुरोध करूँगा कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बढ़ चढ़ कर इस मतदान के महापर्व में हिस्सा लें और देश के विकास में अपने मत के अधिकारों का प्रयोग करें। स्वाति चौरसिया, 19 तारीख को जो वोटिंग है हमारे शहर में, हमारे देश में, ये एक लोकतांत्रिक पर्व है, तो हमें, हमारा कर्तव्य है कि हम इसमें सहभागिता दें और 100% वोटिंग दें, तभी हमारे देश में अच्छी सरकार आएगी और हमारे अधिकारों को हमें देगी।